हेलो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो टाइम हो रहा है, एक छोटा तरीका है, ये हो रहा है 5:42 और हमारा आज रोज़ा है। तो मैंने कहा था कि हम रोज़े में व्लॉग बनाएंगे। सुबह मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मैं भूल गई थी, सहरी में भी नहीं बनाया, अब से रोज़ बनाएंगे। अभी हमारी इफ्तारी की जो है वो प्रिपरेशन हो रही है, मैं आपको जाके दिखाती हूँ। भाई सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास सबसे अच्छा, सबसे हमारा अच्छी डिश जो होती है रमज़ान की, वो है पकोड़े। तो उसके लिए ये बेसन है, ये प्याज वाले पकोड़े हैं, उसका ये पैटर है पूरा, और ये जो है ये आलू वाले पकोड़े हैं, हम लोग बनाएंगे। और ये चने का मसाला है देखो, और यहाँ पे सारे फ्रूट्स हैं, अभी इन सब से फ्रूट चाट बनेगी। और यहाँ पे देखो हमारे पास शरबत बना है कोई, और वो भी ग्रीन जग में ग्रीन शरबत। वाओ, अभी ये फ्रूट चाट कट कर रही हैं, मतलब फ्रूट कट कर रही हैं फ्रूट चाट बनाने के लिए। ये देखें आप, यहाँ पे हमने ये कट करा है, ये दही बड़े हैं, ये अभी सब कट करना है हमें। ये हमारी सारी चटनियाँ हैं, ये इमली की है, ये केचप है, ग्रीन चटनी है, और ये मायोनीस है, और ये हमारा पास खजूर है, पापड़ी है, फ्राइज मसाला, और ये चाट मसाला। सारे जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे ये हमने न्यू लिए हैं। यहाँ पे ग्लास भी हैं, ये हमने न्यू लिए हैं। और ये सारी चीज़ें देख के ना मेरा रहा नहीं जा रहा, दिल चाह रहा है इसको उठा के खा लो। बस लाए अम्मी एक दे दें, रोज़ा है। यहाँ पे जन्नत को पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा काम कर रही है, झाड़ू लगा रही है पूरे घर की, अच्छी बच्ची हो गई है। हाँ ठीक है। यहाँ पे ये सो रहा है भाई, देखो सो रहा है। चाट हमारी इसमें जाती है बनने के लिए, फ्रूट हमारे इसमें डालते हैं। ये जो है हमारी अम्मी से मिस्टेक हो गई है, तो हम इसको कट कर देते हैं। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं शुगर, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, बहुत कड़वा सा सॉल्ट डालेंगे कि टेस्ट के लिए हम डालेंगे। तो यहाँ पे ये डाल रहे हैं हम इसमें चाट मसाला, इसके बिना फ्रूट चाट अधूरी है। बस तो हम ज़्यादा नहीं डाल रहे क्योंकि हम लोग जो है स्पाइसी कम खाते हैं। तो हम इसको अब मिक्स कर लेंगे सबको। अभी जो है ये मम्मी मिक्स कर रही हैं, ये मुझसे मिक्स नहीं हो पा रहा। यहाँ पे हमारे चने आ चुके हैं, जन्नत को देखो भाई। तो भाई यहाँ पे जो है हमारे छोले बने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखो इसका ये मसाला है, ये जहाँ पे हमारे बॉयल छोले हैं, यहाँ पे इमली की चटनी है, ज़ीरा है, ये सॉल्ट है, और ये हमारा मसाला है, ये भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है। चलो अब डालो। चलो अब ये इसमें डाल दें, हमारा इसमें। चलो अब हम इसको मिक्स करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, ठीक है। हम सॉल्ट इसमें कम डालेंगे क्योंकि हम लोग इस सारी चीज़ें कम खाते हैं, इसमें भी नमक होता है इसलिए। अब हम इसमें डालेंगे ये
मसाला है, कोई कौन सा चाट मसाला। तो हम स्पाइसी बहुत कम खाते हैं इसलिए हम सिर्फ इतना डालेंगे, पूरा सॉल्ट डाल देते हैं इतना। अब हम इसमें डालेंगे इमली की चटनी। अब हम इसमें बहुत कम डालेंगे, सिर्फ इतना ही डाल लेंगे क्योंकि ये कम। अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा, क्या कहते हैं, भुना हुआ कुटा हुआ, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा। और लो थोड़ा सा, हाँ अब इसको मसलो। तो यहाँ पे फातिमा लिखा है हाथ में, बस। अब हम इसमें इसको डाल देते हैं, मिक्स करो। अब हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा चखते हैं। अच्छा रोज़ है मैं बार बार भूल जाती हूँ। तो अभी हमने इसमें सॉल्ट और डाला है और ज़ीरा भी और डाल रहे हैं, हमने बहुत ही कम डाल दिया था, थोड़ा सा ये मसाला और डाल रहे हैं हमने, नहीं मैंने बहुत कम डाल दिया था। चलो ये डालो भाई, ये इस चीज़ का इंतज़ार नहीं हो रहा आलू के पकौड़े का। बस हमने चिपीज इसमें जो है वो सर्विंग वाले बॉल में सिप कर, वो हम इससे बोला नहीं चाहते तो हम यहाँ पर सिप करते हैं। बिस्मिल्लाह होने वाले। तो यहाँ पे ये हमारा डल आ चुका है, देखो यहाँ सारा ये भी ले लेंगे हम इसमें। अच्छी तरह निकालो। निकाल रहा हूँ, असल में क्या बात है ये मेरे हाथ बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे क्योंकि कुछ खाया नहीं है ना। तो भाई अब हम इसको फाइनल लुक दे देते हैं, इसमें हम हल्का सा जो है चाट मसाला छिड़केंगे और थोड़ी सी फातिमा की चटनी यानी इमली की चटनी और थोड़ी सी और, ठीक है इना। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं, नहीं हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो भाई यहाँ पे हमने चूल्हा जो है ऑन कर दिया, अभी हम इसमें कढ़ाई रख रहे हैं जो बहुत पुराने ज़माने हमारी दादी की ज़माने की है और हमारी अम्मी अभी तक इसी में बनाती हैं। यहाँ देख सकते हो उसकी हालत। लेकिन वो इसको फेंकती कभी भी नहीं है। चलो इसमें अम्मी ने अभी ऑयल डाल दिया, अम्मी क्या बना रही है, इसमें हम पकौड़े फ्राई कर रही हैं। अभी ऑयल और डालेगा भैया। यहाँ पे देखो इसका हैंडल भी निकला हुआ है लेकिन ये फेंकती नहीं है। चलो भाई ये ऑयल डल रहा है इसमें, सोया सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट इसमें ये ऑयल जा रहा है। देखें अगर आपको आलू के पकोड़े की रेसिपी चाहिए तो हमारी अम्मी बहुत अच्छे बनाती हैं, वो आपको दे देंगी। अरे भाई अम्मी कितने डालेंगी। चलो अब इसमें हमने डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट, अब हम इसमें और डालेंगे। भाई अभी हम अपना आलू के पकोड़े का दूसरा स्टेप करें, आपको इसमें से पानी निकाल लेना है, देखो इस तरीके से इसको धो लेना है पूरा अच्छे से ऐसे, और फिर आपको इसको बेसन लेना है और बेसन में आपको इसको जो है डिप करना है। चलो भाई ये इसमें अब हम मिक्स करेंगे इसको, कि हमने आधा बेसन बचाया है, थोड़ा सा बेसन हम बचाएंगे इसके लिए प्याज वाले पकौड़ों के लिए। अभी हमने आलू के पकौड़े बनाए, मेरी फेवरेट डिश पूरे रमज़ान की क्योंकि गाइस आपको पता है मुझे जो है वो बहुत पसंद है आलू। तो भाई चलो थोड़ा सा चना चखते हैं। अरे मेरा तो रोज़ा है, सॉरी। तो भाई यहाँ पे ये है आलू के पकौड़े की डिश और ये है प्याज के पकौड़े की डिश जो हमने यहाँ पे जो है ये लगा दिया है बटर पेपर। अभी हमारे जो है वो बनने वाले हैं पकौड़े। देखो अब हम इस बेसन बचा हुआ जो है उसमें हम डाल देंगे मिक्स पकौड़े का मिक्स मिक्सचर। चलो इसमें डालते हैं, इसमें हमने डालती हैं। देखो भाई अजान होने वाली है, थोड़ा सा टाइम है, देखो 6:02 हो रहे हैं, 6:30 तक हो जाती है लेट लटी। तो यहाँ पे देखो ये अम्मी ने बेसन डाल दिया है, अब हम इससे पकोड़े बनाएंगे प्याज वाले।
ये प्याज वाले पकौड़े का बैटर तैयार हुआ है, वो पालन के पकौड़े का। हाँ भाई, मम्मी का स्पेशल स्पून है पकौड़े फ्राई करने का। आप ये कहती है कि मैं सेटिंग कर रही हूँ, तुम सेटिंग कर रही हो कि ज़्यादा फैला रही हो? भाई इसमें क्या है, ज़्यादा देखते हैं। ओह वाह, इसमें चिकन कढ़ाई है रात के डिनर के लिए हमारे। ये देखो यम्मी। पकोड़े आ चुके हैं हमारे, पूरी टेबल जो है वो हो चुकी है रेडी। जन्नत भी बैठी हुई है, ये भी आया हुआ है। और जो है हमने अभी रोल समोसे फ्राई नहीं करे हैं क्योंकि हम लोगों का दिल नहीं चाहता रोल समोसे खाने का, लेकिन आपने देखा होगा हम लोगों ने कैसे बनाए थे। वो पूरी पट्टी वट्टी उनके 50 आए ऑलमोस्ट थे वो सारे। यहाँ पे आप देखो, शुक्र खुदा करो महे रहमान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। अल्लाह तेरा है एहसान, रोज नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान। मस्जिद में भी जाएंगे हम दो नाच सुनाएंगे, अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बनके मेहमान नूरे रमजान। अभी हमारा रोज़ा इफ्तार जो है वो हो चुका है डन। अब हम जा रहे हैं मगरिब की नमाज पढ़ने, तो चलो चलते हैं।